फाइंड द HCF ऑफ 108 एंड 156. टू फाइंड द HCF, फॉर दैट वी शुड डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर सेपरेटली. वॉट आई मीन इज सी, 108 एंड 156. दिस इज योअर स्टेप वन. नेक्स्ट, इन दिस नंबर लास्ट डिजिट 8 even, सो टेक टू. फर्स्ट नंबर वन स्मॉलर देन टू, सो टू नंबर्स 10. व्हेन डू वी गेट 10 इन टू टेबल? 2 5s 10. दी अदर नंबर 8, व्हेन डू वी गेट 8 इन टू टेबल? 2 4s 8. लास्ट डिजिट 4 even, सो टेक टू. फर्स्ट नंबर 5, अ नंबर क्लोज टू 5 इन टू टेबल इज 2 2s 4. 5 minus 4 1 1 कैरिड फॉरवर्ड 14. व्हेन डू वी गेट 14 इन टू टेबल? 2 7s 14. नाउ 27 is 3 9s 27. 9 is 3 3s 9. 3 इज अ प्राइम नंबर, सो 3 1s 3. दी अदर नंबर लास्ट डिजिट 6 even, सो टेक 2. फर्स्ट नंबर 1 स्मॉलर देन 2, सो 2 नंबर्स 15. अ नंबर क्लोज टू 15 इन टू टेबल इज 2 7s 14. 15 minus 14 1 1 कैरिड फॉरवर्ड 16. व्हेन डू वी गेट 16 इन टू टेबल? 2 8 16. लास्ट डिजिट 8 even, सो टेक 2. फर्स्ट नंबर 7, अ नंबर क्लोज टू 7 इन टू टेबल इज 2 3 6. 7 minus 6 1 1 कैरिड फॉरवर्ड 18. व्हेन डू वी गेट 18 इन टू टेबल? 2 9s 18. लास्ट डिजिट 9, नॉट even, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2. नेक्स्ट प्राइम नंबर 3. टू चेक डिविजिबिलिटी बाई 3, फॉर दैट वी शुड ऐड द डिजिट्स. 3 plus 9, वी गेट 12, एंड 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, सो टेक 3. फर्स्ट नंबर 3, व्हेन डू वी गेट 3 इन 3 टेबल? 3 1s 3. दी अदर नंबर 9, व्हेन डू वी गेट 9 इन 3 टेबल? 3 3s 9. Now 13 is a prime number, so 13 1s 13. Therefore, our HCF is the product of the numbers which should be present in these two places, that is here and also here, here and here. So now let us find the numbers which should be present here and here. Starting with the number 2. Do we have 2 here? Yes. So cut 2 right here. Next number 2. Do we have 2 here? Yes. So cut 2 right here. Next number 3. Do we have 3 here? Yes. So cut 3 right here. Next number 3. Do we have 3 here? No. Next number 3. Do we have 3 here? No. No more numbers have been left out. So our HCF is 2 into 2, 4 into 3, 12 is our HCF.